पढ़ाई फॉर युवा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की एचटेट 2015-17 के सोल्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर खेल क्या है? इसका आंसर है अलग अलग खेलना। ग्रुप में यानी कि समूह में न खेलकर अलग अलग खेलना जो है वो है समानांतर खेल। विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जानी चाहिए, यानी कि सिलेबस के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज जो है क्यों ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए स्कूल के अंदर। यह छात्र के समग्र विकास में सहायक है, इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसलिए ये अदर जो एक्टिविटीज हैं उनको कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं जॉन एफ हर्बर्ट, ये मनोवैज्ञानिक है जाने माने। मानसिक वृद्धि एवं विकास किस कारक द्वारा नियंत्रित है? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक के द्वारा जो है मानसिक वृद्धि एवं विकास नियंत्रित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि लर्निंग के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? एडवर्ड एल थार्नडाइक ने इसको जो है प्रतिपादित किया है। बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा भी, सही सामाजिकरण और बुद्धि, यानी कि उसका IQ जो है बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? एवरेज IQ वाला, वो है 90 से लेकर 110 तक का। कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? सामाजिक संकल्पना, इसका आंसर रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? सामाजिकता जो है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है लक्षण। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो सोशल यानी कि सामाजिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कौन सा कथन गलत है? वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, बिल्कुल गलत है ये। वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत बिल्कुल भी नहीं चलता रहता है, बल्कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? बुद्धि यानी कि IQ जो है वो हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो इस कारण जो है इंडिविजुअल केसेस की अगर हम बात करें तो हर बच्चे का कक्षा में सतर और IQ जो है अलग अलग होता है। कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, बिल्कुल सही है। मैच्योरिटी जो है प्रैक्टिस से आती है, कहावत भी है, प्रैक्टिस मैक्सिमम प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है कौन सा है, और वह सीखने की क्रिया करता है कौन सा है वो? प्रबल प्रेरणा। कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्य को पूरा करती है? भूमिका निर्वहन जो है इसको पूरा करती है। पुनर्बलन किस प्रक्रिया का भाग है? अधिगम का भाग है पुनर्बलन, यानी कि सीखना वो जो है पुनर्बलन प्रक्रिया का भाग है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 4 अवस्थाओं की जो है इन्होंने व्याख्या की है। और कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? फर्क करना, ये जो है भावात्मक पक्ष नहीं है। कौन सा कथन गलत है? मेधा एवं सृजनात्मक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल गलत कथन है, पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के। कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक, तीनों चीज जो है वो पर्यावरणीय कारक जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। गेने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में सीखने के। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किस मुख्य कारकों के आसपास घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ, इसके आसपास घूमती है विषय वस्तु। कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा शिक्षा, ये जो है अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया है एग्जाम्स में, कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है?
स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी प्रॉब्लम अगर वो खुद समझता है और उसको सोल्व करता है तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं है? व्याख्यान विधि, क्योंकि बच्चे को हम व्याख्यान विधि से नहीं सिखा सकते, बच्चे को हम खेल खेल में सिखा सकते हैं, इसलिए प्राइमरी लेवल पे जो है व्याख्यान विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। किस पे बल देता है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर। क्यों देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो हमेशा स्टूडेंट पे फोकस करके की जाती है, बच्चे को ध्यान में रख के जो है उसको पढ़ाया जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, ये बच्चा सीखेगा या नहीं सीखेगा। इस कारण जो है शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। किस पर बल देता है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री से मतलब है ऑडियो विजुअल एड्स का, ब्लैक बोर्ड का, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आती हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है कब? विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए जो उसका उपयोग किया जाता है। कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा यानी कि लैंग्वेज जो है वो मानसिक विकास के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके सामाजिक विकास से, सोशल जो डेवलपमेंट है उसे संबंधित है ये। किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? परा को जो है नैतिकता वाली भुजा कहा जाता है। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि जब तक मैच्योरिटी बच्चे में नहीं आती, अगर उसको ट्रेंड किया जाएगा उसके लेवल के हिसाब से तो ठीक है, अगर लेवल से हाई लेवल की चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी तो बच्चा उसको नहीं सीख पाएगा। इस कारण सामान्य परिपक्वता से पहले यानी कि मैच्योरिटी से पहले जो है बच्चे को प्रशिक्षित करना प्राय जो है हर लिहाज से हानिकारक होता है। बाल्यकाल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया है एग्जाम्स में कई बार, सीटेट में भी आया है ये क्वेश्चन। ये होता है 6 से 12 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ये बाल्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? क्या रीजन है? वह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बिल्कुल ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में, गेम्स में, इससे बच्चा क्या है ग्रोथ करेगा, इसलिए विद्यालय में जो है बच्चों को खेल खिलाने चाहिए। अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? लर्निंग से संबंधित कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें मैच्योरिटी का इससे कोई संबंध नहीं है, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल संबंध क्यों नहीं है? बिल्कुल संबंध है, क्योंकि बच्चा जितना मैच्योर होगा उतनी ही लर्निंग लेवल और आईक्यू लेवल उसका हाई होगा। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में। बिल्कुल सही बात है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो किस में होता है? बच्चों की सहायक होती है उनके किस में? सर्वांगीण विकास में, हर चीज़ के विकास में जो है उसका सहायक होती है शिक्षा। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के उसके लेवल के अनुसार ही शिक्षा दी जाए तो वो बिल्कुल सही होगी। अगर मान लिया प्राइमरी के बच्चे को मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा दी जाए तो उसके अनुरूप नहीं होगी। इसलिए सबसे प्रभावी कब होता है? जब विद्यार्थियों को उसके मेंटल जो है लेवल उसके अनुरूप अगर शिक्षा दी जाए तो वो ज़्यादा कामयाब है। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है तो यह है क्या है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। सीखने का जो है तरीका जो है ये सबसे बेस्ट है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। 38 क्वेश्चन है, कौन सा कारक बच्चे के सर्वांगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? खेलकूद जो है इसको सबसे कम प्रभावित करता है। कोलबर्ग के अनुसार वह सतर जिसमें बालकों की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है, परंपरागत नैतिक सतर कहलाता है ये। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संक्रियात्मक अवस्था जो है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। कौन सा कारक सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल सही नहीं है, पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के। कौन सी नैतिक आदत नहीं है? सही उच्चारण करना, ये नैतिक आदत नहीं है, नैतिक का इससे कोई मतलब नहीं है। कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या, ये जो है मनोविज्ञान की एक सीमा है। कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिगम जो है सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं होता,
बल्कि अदर एक्टिविटीज़ में भी लर्निंग का उपयोग किया जाता है। 45th क्वेश्चन है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। यह विधि बहुत जटिल होती है, ये सही नहीं है, क्योंकि लर्निंग जो है इतनी जटिल नहीं होती। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। सृजनात्मक क्रियाकलाप, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो कक्षा 1 से लेकर 5th तक, यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती। सोचना, उसकी थिंकिंग जो है वो मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, या तो विद्यालय में और विद्यालय के अंदर कक्षा में, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा के अंदर जो है उसका अच्छी तरीके से विकास किया जाता है। तभी तो कहते हैं कि प्राइमरी लेवल के ऊपर जो है शिक्षा बच्चे की बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। कला में रुचि जो है इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। विद्यालय का वातावरण, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो है इसको प्रभावित करने वाला कारक है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बच्चा जब खुद अपने सीखता है एक्टिविटीज़ द्वारा, फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो बच्चा सीखता है वो सबसे बेस्ट है। कब? जन्म से दो वर्ष तक की जो एज होती है उसमें। किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है। सभी को पता है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जो है NCERT की करते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग जो है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो NCERT की बुक्स में से ही आते हैं। तो NCERT जो है मनोविज्ञान का प्रयोग भी कर रही है। किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। लिंग भेद का, जो फिजिकल डिफरेंसेज हैं वो जो है उसका लर्निंग के ऊपर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है। इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, बिल्कुल इसका दोष नहीं है। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है निचली कक्षा में। कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। दिवास्वपन देखने वाला, ये जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं लक्षण है। कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। कक्षा में नींद आना, इसे कोई मेंटेलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि गलत है कक्षा में सोना, लेकिन इससे मेंटेलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। कौन सी अभिप्रेति की विशेषता नहीं है। यह अस्थायी होती है, बिल्कुल ये विशेषता नहीं है इसकी। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के मानसिक विकास से है। जो उसकी मेंटेलिटी डेवलपमेंट है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, क्योंकि हर बच्चे का IQ अलग अलग है, तो उसका जो मानसिक विकास है वो बिल्कुल एकदम से अलग अलग होगा और उसी हिसाब से वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। उपचारात्मक विधि का प्रयोग है जिनके लिए किया जाता है वह है समस्यात्मक बच्चे, जो बच्चे जिनमें जो वीकर है, यानी कि जो कक्षा में कमज़ोर है, उनके लिए रेमेडियल क्लासेज का अरेंजमेंट किया जाता है, उनको अलग से पढ़ाया जाता है। समस्यात्मक बच्चे भी होते हैं जो क्लास में कमज़ोर होते हैं थोड़ा सा, या लेट कवर हैं, लेट लर्नर है, इस टाइप के बच्चों के लिए। तो मैं अंत में उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।